जब तक कंपनी अपडेट भेजती रहती है, या तो मेजर अपडेट हो या सिक्योरिटी पैचेज अपडेट हो, तब तक तो स्मार्टफोन ठीक ठाक कह सकते हैं, मतलब आपका स्मार्टफोन तब तक 60-70% सुरक्षित रहता है। जब कंपनी सिक्योरिटी पैचेज भेजना बंद कर देती तब बहुत ही रिस्की हो जाता है आपका एंड्रॉयड फ़ोन। तो अगर आप बैंकिंग का कोई भी काम कर रहे हैं, खास करके रिसेंटली देखा गया है कि लोन ऐप में बहुत सारा लोन लिया जाता है और बाद में ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाता है, वो किस तरह से होता है आप लोगों को पता भी होगा। एंड्रॉयड में मेजर यही कमी है सिक्योरिटी को लेकर। आप आईफोन चला रहे हैं तो आपका डेटा बहुत ही सुरक्षित रहता है। होता यह है कि आईफोन में भी अपडेट आता है, तो अगर अपडेट आ रहा है तब भी ठीक है, अगर अपडेट नहीं भी आ रहा है तब भी आईफोन में डेटा सुरक्षित ही रहता है। फ्लैगशिप रेंज में स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि एंड्रॉयड या आईफोन में मेरा डाटा सुरक्षित रहेगा। ये नहीं देखना है कि इसमें कैमरा अच्छा है तो ये स्मार्टफोन लेना है। आप स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, कोई भी कैमरा नहीं खरीद रहे हैं। अगर आप 1,00,000 रुपया का कोई भी स्मार्टफोन खरीद रहे हैं और सिर्फ 40,000 रुपया का कोई भी DSLR ले रहे हैं, तो DSLR से खींचा गया फोटो बहुत ही बेहतर आएगा वो 1,00,000 रुपया का स्मार्टफोन से। कोई भी स्मार्टफोन कोई भी DSLR को कैमरा को टक्कर नहीं दे सकता।